सी मूवी है सर्कस सर्कस, तो मुझे पूरी मूवी इनके लिए देखनी पड़ी। अरे आप आना पड़ेगा पूरी मूवी मैंने, क्योंकि मुझे आज जॉनी को उसमें देखना था कि आप कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, और सच में मैं हंस रहा था। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे भारत देश के अंदर एक ब्लेसिंग है ब्रदर जॉनी। स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। दोस्तों, इंसान को जीवन यापन करने के लिए क्या चीज को जरूरत होती है? आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि पैसे की जरूरत होती है, और घर में ये सब चीज़ रहेगा तो हर एक चीज़ को हम पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जो लोग सोचते हैं ये चीज़ वो गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह की ज़रूरत होती है, जो कि हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार चाहे कोई भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, चाहे कोई एक्टर हो या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, आप समझ सकते हो। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जॉनी लीवर जी के एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो विशेषकर अपने लिए प्रार्थना करवा रहे हैं आचार्य विकास जी के पास, जो कि दोस्तों वो परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर के बारे में अच्छे अच्छे बातें शेयर करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, या बहुत सारे लोग हो सकते हैं फर्स्ट बार देखेंगे, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे बात और सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आचार्य विकास जी ने जॉनी लीवर के लिए क्या प्रार्थना की है, और किस प्रकार से जॉनी लीवर ने उनको आदरपूर्वक एक्सेप्ट किया है, उसी प्रकार हर इंसान को करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम पहले इन वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आगे चल के हम बात करते हैं। इंडस्ट्री में इतने बड़ी पोजीशन पर पहुंचकर भी अगर आप अपने फेथ के लिए, अपने विटनेस के लिए स्ट्रांग हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? इससे बड़ी और क्या आशीष आप चाहते हैं? और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा परमेश्वर और बड़े काम करेंगे। आइए हम हाथ उठाकर इनके लिए प्रार्थना करें। Father, I bless my brother in the name of Yeshua, Lord. A precious brother in Christ, a blessing for India, Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपके दास के लिए, जब आपने इनको ब्लेस किया, आपने इनको बुद्धि और समझ का आत्मा दिया है, आपने इनको टूटे हुए दिलों के अंदर उस आनंद को, उस खुशी को डालने का जो गिफ्ट, जो टैलेंट दिया है प्रभु जी, सच में हम प्रार्थना करते हैं कि अब तक आपने इन्हें भरपूरी से इंडिया की तमाम हजारों मूवीज के लिए इस्तेमाल, और भारत में कौन है जो शायद इन्हें नहीं जानता पिता, आने वाले दिनों में इनकी सेवा, इनकी गवाही के द्वारा और रूहें बचे पिता, क्योंकि संसार का ज्ञान और संसार की सब बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आपका राज युगानुयुग बना रहेगा। प्रभु जी वचन कहता है कि बुद्धिमान है वो जो आत्माओं को जीतता है। पॉल के समान प्रभु जी आत्माओं को जीतने की भूख और प्यास, लोगों को गवाही देने की प्यास, धन्यवाद इन सब बातों में नम्र रहने के लिए जो आपने उनकी सहायता की है पिता। पिता जब सब कुछ हो जाता है तो हम घमंड से भर जाते हैं और घमंड विनाश ले आता है, लेकिन धन्यवाद आपके दास के लिए, इज ए हम्बल मैन, हम उन्हें, उनकी प्रिय पत्नी को, बच्चों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं पिता। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जहां कहीं ये जाएं, आपकी शांति और आपका आनंद इनके जीवन से बहुतों को मिले। और हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में बहुत से बॉलीवुड स्टार्स प्रभु जी, बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस बात को जानेंगे कि पिता इस संसार में, इस पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और वो जॉनी भाई का परमेश्वर है, और ब्रदर उसको जानते हैं। आप वो मार्ग तैयार कीजिए पिता, धन्यवाद करता हूं। आप इन्हें अच्छी सेहत दे प्रभु जी, और पिता हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी शांति, अपनी सुरक्षा और संपूर्णता के साथ, किसी भी भली चीज की कमी नहीं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं पिता आने वाले दिनों में और सामर्थ के साथ आप इन्हें इस्तेमाल करें, आप इन्हें बड़े बड़े मंचों पर ले जाएं और बड़ी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, अपने ब्लेस करें पिता परमेश्वर। आपने इतना बड़ा परिवार दिया, इतना बड़ा परिवार प्रभु जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग इनसे प्यार करते हैं प्रभु जी, इतने बड़े परिवार के लिए, हमारे भारत देश के लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग पिता, इनको, इनके परिवार को आपके चरण में प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जॉनी लीवर जी ने अपने लिए विशेषकर अपने घर फैमिली परिवार के लिए प्रार्थनाएं करवाए। दोस्तों हम लोगों को हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे समस्याएं आती हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसके चलते हम लोग समस्याओं में घिर जाते हैं और पड़ जाते हैं और कहीं कहीं शैतान वो रोड़ा बनकर खड़ा हो जाते हैं हमारे लाइफ में। तो दोस्तों कई प्रकार के समस्याओं से फंसते जाते हैं फिर। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रार्थनाओं में, दुआओं में, वचनों में, संगति में, चर्चेस में कंटिन्यू लगातार बने हैं और आपका दिमाग परमेश्वर की ओर कनेक्ट है तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई संकट या समस्या नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों हमारी लाइफ में समस्याएं आना जरूरी है। आप सोच सकते हो जब प्रभु यीशु मसीह वो उनको 40 दिन 40 रात तक उन्होंने जंगल में भटके एक जगह से दूसरे जगह गए और शैतान हर पल उसका परीक्षा लेते रहता था। तो आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने उन प्रॉब्लमों को शैतान से कभी हार नहीं माना। प्रभु यीशु मसीह ने कभी शैतान के बताए बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। उसी प्रकार अगर आप अपने आवश्यकताओं को, जो अभी आप लोगों के आवश्यकताएं हैं, जैसे पैसा का आवश्यकता है, हर इंसान को होती है, लेकिन पैसा के साथ साथ आप परमेश्वर को टाइम दीजिए, समय दीजिए, प्रार्थनाओं में, दुआओं में, चर्चे जाइए, भवन जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे आशीष को आप ला रहे हो और लाओगे और आपकी लाइफ में कभी भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप एक स्वर्गीय सुरक्षा के घेरे में, कवच में ढक जाते हो। परमेश्वर आपको अपने पंखों तले ले लेता है और स्वर्गीय सुरक्षा से बचाता है, घेर के रखता है। चाहे आसमान में उड़ने वाली अदृश्य ताकत हो, चाहे मौसम से लगने वाले किसी भी प्रकार की बीमारी महामारी हो, आपकी लाइफ में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों हम हर इंसान को प्रार्थनाओं की ज़रूरत होती है। आप प्रार्थना करवाइए, अपने पास्टर पासवानों से प्रार्थना करवाइए, आपको खुद से आता है तो खुद से प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, वचनों को देखिए, वचनों को फॉलो करिए, क्योंकि ये सब चीज़ करने से हम परमेश्वर के निकट जाते हैं और परमेश्वर के निकट जाने में हमको क्या है, परमेश्वर के निकट जाने से ही हम आशीष को पाते हैं और स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों अंतिम दिन नज़दीक है, बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, आप लोग देख रहे हैं जाति धर्म के नाम से किस प्रकार से लोग एक दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं और बहुत सारे चीज़ें अभी हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन आप लोगों को बस मैं यही बात बार बार रिपीट करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर में रहिए, संगति में रहिए, प्रार्थनाओं में रहिए, दुआओं में रहिए, प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि दोस्तों कोई किसी का हमदर्द नहीं है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, केवल यहोवा परमेश्वर आपके साथ दे सकता है और आपकी हर समस्याओं को दूर कर सकता है, बाकी कोई नहीं। संसार एक मोह माया है और एक जाल है। तो दोस्तों परमेश्वर में जो लोग बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, वो लोग जरूर अपने रास्ते में, जो लोग परमेश्वर में बिलीव करते हैं वो लोग जरूर से इन बातों को फॉलो करिए और जिस प्रकार से जॉनी लीवर जी अपने लिए प्रार्थना करवाएं उसी प्रकार आप भी अपने लाइफ के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। हम खुद प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट करिए, हमें प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजिए तो रिक्वेस्ट हम आपके एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने मिनिस्ट्री में भी बोल सकते हैं, प्रार्थना में, दुआओं में आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे रहे, मस्त रहिए, प्रभु में रहिए, आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।